चलेगा ऐसा क्या नाचेगा ये टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है, वेलकम लेजेंड्स। फाइनली हमने 1500 यानी कि 1500 टेक न्यूज पूरे कर दिए हैं। बहुत बड़ी बात है, इतने सालों में मैंने आपको डेली टेक न्यूज दिया हूं डेली, और आप लोगों ने अनलिमिटेड प्यार दिया है, सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, कमेंट किया, लाइक किया, बहुत कुछ किया, और इसका सारा क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाता है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सब क्रेडिट आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऐसे आगे सपोर्ट करते रहिए, 2000 तक भी ऐसी पहुंच जाएंगे, और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस हमेशा की तरह। साथ ही साथ पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था फ्लैश सेल्स के बारे में, 75% से ज़्यादा लोगों ने कहा बैन कर दो इनको। जी हाँ, वैसे आज हमने Mi 11 Lite की अनबॉक्सिंग किया है, बहुत ही स्लिम, बहुत ही लाइट वेट फोन है। हमने उसमें गलती कर दिया था, हमने पॉलीकार्बोनेट बैक बोला, लेकिन ये ग्लास बैक है। जी हाँ, तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, उसके लिए हमें माफ कर देना, बहुत रेयरली ऐसा होता है। एनीवेज दोस्तों, लाइक करिए, 1500 टेक न्यूज की खुशी में 50,000 पार कर दीजिए, और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है, हाँ, लेजेंड्स यू गेट इट, iQOO 3, एक टाइम पर 30-35 हज़ार की रेंज का ये फोन था, 4G वाला, ये अभी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 17,500। आपने बिल्कुल सही सुना, 8GB रैम, 120GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 865 वगैरह, और बहुत सारी चीजें मिलती है, मतलब पूरा फ्लैगशिप फोन है। लेकिन जब हमने चेक किया तो सोल्ड आउट हो गया था, और ये इस प्राइस पर क्यों गया इसके बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है। वेट करिए, उधर जाके चेक करते रहिए, अगर हाथ में आ गया फिर तो लाला आपकी लाइफ में हो जाएगा। फिर से हमने एक और झटका दिया और फिर माइक्रोमैक्स जाग गया, पहले 2C और अब 2B, हाँ, Android 11, 4GB RAM और UniSoC। ये क्या कर रहा है माइक्रोमैक्स, समझ नहीं आ रहा, वापस से वो अपने पुराने लाइफ में तो नहीं जा रहा ना, प्लीज ऐसा मत करना, कुछ अच्छा करिए, हम आपका वेट कर रहे हैं, और 5G फोन लेके आइए, उसका ज़्यादा वेट कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, माइक्रोमैक्स को कुछ मैसेज देना है तो कमेंट में ज़रूर से देना। वैसे कल Jio AGM 2021 शुरू हो जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 5G फोन्स और न जाने बहुत कुछ होगा उसमें से। दोस्तों Jio Book उनका एक लैपटॉप है जो हमें देखने को मिल सकता है, इसके कुछ फोटोज पहले सामने आए थे लेकिन अब थोड़ी स्पेक्स बाहर आ गई है। स्नैपड्रैगन 665, एंड्रॉयड 10 होगा, ये Jio OS पर बेस्ड होगा, वैसे ये एंड्रॉयड वाला लैपटॉप है, और 232 और 464 ऐसे आपको वेरियंट्स मिलेंगे। और अगर ये 10,000 की रेंज के नीचे होता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको एक ऐसा लैपटॉप जैसा फील चाहिए, तो बेटर रहेगा। वैसे देखते हैं कल क्या खास होता है, आपको सारी जानकारी मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ Jio सबको 10GB फ्री डेटा दे रहा है, बस ऐसी खुशी में दे रहा है। हाँ, आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा, वो एक स्कैम है। ये मैसेजेस यहां से वहां फैलाए जा रहे हैं कि Jio सबको 10GB फ्री डेटा दे रहा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज क्लिक मत करिए, Jio किसी को भी 10GB फ्री डेटा नहीं दे रहा है। ये 10GB, 20GB, 50GB बोलकर ही आपको झांसे में लेते हैं, और आप जैसे उस पर क्लिक करते बहुत कुछ उड़ा के लेके जाते हैं। आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपके चीजों के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको फायदा हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है, तो ऐसा कुछ भी मत करिएगा, आग बनकर किसी पर भी क्लिक करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि आप किसी और का भला करवा रहे हैं, ये याद रखना। याद है कल आपको Redmi K50 सीरीज के बारे में बताया था, जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं और बड़ी ही जल्दी आने वाले हैं इंडिया में। पता नहीं वैसे ही आएंगे या रीब्रांड होकर आएंगे, पता नहीं। लेकिन एनीवेज, अब डिजिटल स्टैट स्टेशन ने 3 चीज़ें और बताई है। इनमें फास्ट चार्जिंग ज़्यादा अच्छी होगी, वीडियो एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, और बढ़िया डिस्प्ले होगा। तो अगर पुराने वालों से कंपेयर करें तो ये 3 मेजर इंप्रूवमेंट्स है इसमें, जैसा उन्होंने बताया। मेरे ख्याल से चिपसेट भी अच्छी होने वाली है, ये इतना तो हमें पता ही है। देखते हैं, आने दीजिए दोस्तों, कितना जल्दी आते हैं और इंडिया में क्या नाम से आते हैं ये अभी भी एक मिस्ट्री है। सैमसंग दोस्तों, बताया जा रहा है कि वो बहुत ही जल्दी अपना भी एक रोलेबल या स्लाइडेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसके कुछ फोटोज और थोड़े बहुत स्पेक्स बाहर आ गए, जिसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ट्रिपल कैमरा, डुअल स्पीकर वगैरह है, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। हालांकि ओप्पो और LG ने तो रेस जीत लिए, लेकिन सैमसंग शायद इनको लाकर कमर्शियली अवेलेबल कर सकता है। हाँ, सैमसंग ये कर सकता है। साथ ही साथ सैमसंग Z Fold 3 जो है वो इंडिया की BIS पर लिस्ट हो गया है, इसका मतलब ये फोन भी बड़ी ही जल्दी हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। और ये एक ही ऐसा फोन है फिलहाल के लिए एंड्रॉयड के अंदर जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों, आने दीजिए, करते हैं टी टो टी टो टी टो। साथ ही साथ सैमसंग के जो एक्सिनोस वाले जो नए चिपसेट आ रहे हैं, जिनमें AMD वाला जो GPU होगा, ये बताया जा रहा है कि सिर्फ सैमसंग के फोन के लिए ही एक्सक्लूसिव नहीं होंगे,
बल्कि वीवो भी दोस्तों इनको अपने फोन्स में फ्यूचर में ला सकता है। जी हाँ, इसका मतलब वीवो का भी एक फोन आएगा जिसमें एक्सिनोस चिपसेट होगी और आपको AMD, वैसे वीवो के भी फोन्स है ऑलरेडी जिनमें एक्सिनोस की चिपसेट है, लेकिन ये AMD वाले जो है वो दूसरे फोन्स में भी हमें देखने को मिलेंगे, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज़ है। जुलाई में होने वाला है, देखते दोस्तों सैमसंग इस बार क्या खास करता है इन नए CPU और GPU के साथ में, जुलाई में ही पता चलेगा। बाय द वे, ट्विटर ने कुछ पैसे कमाने का मौका दिया है इन्फ्लुएंसर्स को, जहां पर उन्होंने मोनेटाइजेशन के फीचर्स ऐड कर दिए हैं। एक है टिकट स्पेसेस, जहां पर आप बात कर सकते हैं और लोग बैठ के सुन सकते हैं, और दूसरा है सुपर फॉलो। वैसे जो टिकट स्पेसेस है वो इंडिया में अवेलेबल हो चुका है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो उनको फॉलो करते हैं उनको, अगर आपको सुनना है बैठ के तो। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इन चीज़ों के लिए लोग ऑप्ट करेंगे, सब कुछ हमें फ्री चाहिए भाई, हम काहे को किसी चीज़ के लिए पैसे दे और बैठ के सुने और देखे। हाँ, मानते हैं कुछ चीज़ों के लिए देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में इतना लोग खर्चा नहीं करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर उधर अगर कुछ प्रीमियम सर्विसेज आती तो क्या एक्स्ट्रा पे करेंगे, कमेंट में ना जरूर से बताना। 4G, यस, हाँ, ये गेम एग्जिस्ट करता है दोस्तों, और आया था तो बहुत हाइप थी, लेकिन बाद में बहुत एकदम निराश कर दिया इस गेम ने, और अभी भी अगर आप जाके प्ले स्टोर पर रेटिंग्स देखोगे तो बहुत गिर गई है। और एनीवेज, अब 21 जून को इसका डेथ मैच वगैरह जो है वो सब कुछ आने वाला था, लेकिन 21 जून तो जाके कब का निकल चुका है और अभी तक इसके बारे में कोई खबर नहीं है। एनकोर वालों ने भी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि भाई ये गेम क्यों लावारिस हो चुका है, क्योंकि वो लोग लाने वाले थे मल्टीप्लेयर टीम डेथ मैच, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, देखते हैं दोस्तों। वैसे अगर आई एम नॉट श्योर, वैसे आपको क्या लगता है 4G इस गेम के बारे में, क्या आप अपडेट का या कुछ और चीज़ों का वेट कर रहे हैं, या बैटल ग्राउंड से हमारे लिए सही है, कमेंट में जरूर से बताना। बाय द वे, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का नाम आ ही गया, तो इसकी खबर आपको दे रहे थे। अब ये बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेल रहे थे या पबजी खेल रहे थे, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन दो बच्चे हैं, एक 17 साल का है, एक 18 साल का है, आसाम के अंदर नदी किनारे बोट जो होती है उसके ऊपर टेका लगा के बैठ के खेल रहे थे, हाँ, और वो पलटी हो गई और दोनों डूब गए, उनकी मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है दोस्तों कि पबजी खेलते हुए दो लोगों की जान चली गई, हालांकि सब जगह पे यही हेडलाइन चल रही है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये जो खेल रहे थे ये गलत तरीके से खेल रहे थे, आप वहां पर जाके ऐसे क्यों खेल रहे थे, आप दूसरी जगह पे भी खेल सकते थे, और वो हादसा हो गया, उनकी जान चली गई। फिर चाहे वो पबजी खेलो, आप असवाल्ड खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, कुछ भी खेलो, गेम जो है फिलहाल में इसमें गेम बदनाम हो जाता है। देखो, पबजी खेल रहा था ना तो मर गया, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉजिक की बात कर रहा हूँ। प्लीज़, लाइफ इंपॉर्टेंट है आपकी, आप ऐसे काम मत करिए, लापरवाही वाले काम मत करिए, फिर आप कुछ भी करिए, आप लापरवाही करेंगे तो आपको मरना ही है, मैं ये बोलता हूँ। तो हाँ, ये पबजी का नाम बाहर निकल कर आया कि दोनों पबजी खेल रहे थे और उस वजह से इनकी जान चले गए। क्या आपको बताए दोस्तों, इंडिया के अंदर सबसे पहले इंडियन वो कौन थे जिनके पास कार थी, मतलब फर्स्ट इंडियन टू ओन अ कार इन इंडिया, 1898 में सर जमशेद जी टाटा। जी हाँ, आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होने में करता हूं, आपको आज की टेक पसंद आई, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।